हाँ जी, सो जय डिफेंस एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। एंड मैं रोहन कपूर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल द फौजी कैंपस के ऊपर। एज वी ऑल नो कि एनडीए 1/2024 की नोटिफिकेशन अभी यूपीएससी आउट कर चुकी है एंड उसको 2 दिन भी हो चुके हैं। एंड अभी जो बच्चा है काफी ज्यादा मैं कहूँगा कन्फ्यूज्ड है दैट व्हाट टू डू नाउ। कई सारी स्ट्रेटजीज, कई सारे यूट्यूब चैनल्स अपलोड कर रहे हैं बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल, एंड हो भी किसी के लिए प्रैक्टिकल तो नॉट लास्टिंग। सो दिस इज अ स्ट्रेटजी आई एम विद हियर, 120 डेज के लिए स्ट्रेटजी मैंने बनाई हुई है पर्सनली। एंड नाउ अभी आपका डाउट आएगा कि कुछ दिन पहले मैं 90 डेज की स्ट्रेटजी डाल चुका था अपने चैनल पे, देन व्हाई 120 डेज नाउ? बिकॉज जो 90 डेज की स्ट्रेटजी थी इट वॉज लाइक देर वॉज मच ऑफ वर्क इन दैट, राइट? हो सकता है उसमें एक दिन ऑफ हो, एक दिन ऑन हो, इसीलिए आई जस्ट पोस्टेड अ 90 डेज स्ट्रेटजी इन एडवांस। जो बच्चा शुरू से पढ़ने की प्लानिंग कर रहा होगा ना, who just want to put it all in 90 days, उसके लिए वो थी। बट नाउ एज वी ऑल नो दिन ही 120 बचे हैं, सो स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू दैट इज हियर, राइट? बट बिफोर दैट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, जिससे आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो। एंड अभी आने वाले दिनों में आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज अबाउट GAT एंड इंग्लिश एज वेल, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी पहली चीज है दैट देयर आर 120 डेज इन आवर पॉकेट, 120 कॉइन्स हमें मिले हुए हैं। इट इज अप टू यू कि इस टूल को, जो हमारे पास टूल है ना 120 डेज, हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं एनडीए 1/2024 को क्रैक करने के लिए। सो देयर आर सेवरल वेज। लुक, एक जगह पे पहुंचने के लिए ऐसा नहीं एक ही रास्ता है, इधर से भी गली जाती है, उधर से भी गली जाती है, सीधी भी गली जाती है। द प्राइम मोटिव इज वेदर यू रीच दैट प्लेस और नॉट। सो मेक श्योर आप सही रास्ता चुनो अपने हिसाब से, जस्ट नॉट कि मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजी बताई एंड यू एंड अप फॉलोइंग दिस। नो, टेक गुड थिंग्स आउट ऑफ दिस। अगर आपको कहीं और से कुछ अच्छा मिल रहा है, टेक दैट ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी बात मानो, वट एवर यू लाइक, जो आपका मन बोले डू दैट, राइट? बट दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, सो लेट्स वॉच आउट। 120 दिन है हमारे पास, इस 120 दिन को मैंने 3 फेजेस में तोड़ा हुआ है। पहला 60 डेज दैट इज द लर्निंग फेज, दूसरा 30 डेज दैट इज द स्ट्रेंथनिंग फेज, एंड तीसरा 30 डेज दैट इज द एग्जीक्यूशनल फेज। लर्निंग फेज में आप सीख रहे होगे, आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे होगे अपनी। अगले 30 दिन में इट इज द स्ट्रेंथनिंग फेज, जो अभी तक आपने सीखा है इसको और मजबूत करने का टाइम है। एंड इन द लास्ट 30 डेज इज द एग्जीक्यूशन, जो भी आपका प्लान चला है यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट इन द राइट मैनर, जिससे आपकी पिछली जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। 60 डेज जो लर्निंग फेज है, व्हाई आई नेम्ड इट लर्निंग फेज, बिकॉज यहाँ पे नो मैटर आपने पुराना कितना पढ़ा हुआ है, नो मैटर आपने किसकी क्लासेस लगाई है, मेक श्योर यू डू कंसेप्ट लेक्चर्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर प्रेजेंट इन द सिलेबस। आपको डर है कि कहां से मिलेंगे, तो एकदम क्यूरेटेड कंसेप्ट लेक्चर्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, मेक श्योर यू वॉच देम आउट एंड आप उनसे पढ़ सकते हो। प्लस साथ में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्विंग। अब ये मैंने क्या लिख दिया, बाढ़ सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्विंग। बाय दिस आई मीन, फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर उठाया, सपोज यू आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप एक बार कंसेप्ट पढ़ोगे आपको समझ में भी आएगा, बट वेन यू लुक आउट एट क्वेश्चन ना, तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि पहली बार जब आप क्वेश्चन लगा रहे होते हो इट फील्स अ लिटिल बिट ऑकवर्ड कि यार ये आ नहीं रहे हैं सवाल, फलाना बन नहीं रहे, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मेक श्योर यू फॉल इनटू इट, वो ही लेके जाएगा, वो जो गहरा पानी है ना वही आपको जो है हल्के पानी तक लेके जाएगा, बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स। इसी से आप सीख रहे हो कौन से क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ करना है। एंड मेक श्योर यू जस्ट डिवोट टाइम टू दिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्विंग पे, बट जितना ज्यादा आप इस पे ध्यान दोगे यू विल बी बेटर इन योर स्ट्रेंथनिंग फेज एंड इन योर एग्जीक्यूशन फेज। मेक श्योर आप इससे ना भागो, एक क्वेश्चन नहीं बनता उसको बनाओ, टाइम दो, दैट्स व्हाई आई केप दिस विद दिस, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट फ्रेश फ्रेश समझ में आ रहा होगा देन यू आर गोइंग टू एंड अप विद दिस, एंड आपका लर्निंग फेज कंप्लीट हो जाना चाहिए इन द फर्स्ट 60 डेज फ्रॉम द डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट? अभी 30 दिन as you finish 60 days, then अगले 30 दिन का एक strengthening phase मैंने बताया है। अभी जो आपने सीखा है, look,
जो आपने सीखा है ये आपने घड़े में पानी भर लिया है। अब आप नहीं चाहते कि अगर मैं इस पानी का यूज ढंग से ना करूं तो ये खराब हो जाए, इसमें कीड़े पड़ जाए। सो टू यूज दैट वॉटर, मेक श्योर यू स्ट्रेंथन वॉट यू हैव एक्युमुलेटेड ओवर दी 60 डेज, जो आपने सीखा है आप उसमें और एडिशन करो। फॉर एग्जाम्पल पहली चीज है PYQ थ्रू वीडियोस। अब ये मैंने क्या बोला, आई एम नॉट जस्ट सेइंग यू प्लेन PYQs कर लो, कहीं से भी PYQs कर लो, हियर इज द डिफरेंशिएशन। PYQ करो वीडियो के थ्रू, बिकॉज एज यू नो जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो जो कल आ रहा था वही आ जा रहा है, एंड डिफरेंट पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं। जब एक टीचर आपको क्वेश्चन कराता है ना, यू नो द एग्जैक्ट अप्रोच कि किस सवाल को किस तरीके से अप्रोच करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट टू यू कि जिस सवाल को जिस तरीके से अप्रोच करना है आप वैसे अप्रोच करो, अपना तरीका आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, अच्छा रहेगा, बट व्हेन यू लर्न फ्रॉम अ टीचर कौन सी अप्रोच कौन से सवाल में लगनी है, यू बिकम अ मास्टर इन अ शॉर्ट टाइम। कंप्लीटिंग अ बुक इनटू वन, मतलब कि जो भी आपने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्विंग इधर करी, फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आपने वीडियो में लगाए थे वही आपके लिए कॉम्प्लेक्स थे तो आप उनसे सीख गए। Now, when you come to the next 30 days, आपको कोई भी एक बुक, now, here I'm not saying कि आप Aryan 3000 MCQs खरीदो, but it is preferable as always, आप कोई भी बुक उठा सकते हो जो ज्यादा, मैं कह रहा हूँ, अननेसेसरी क्वेश्चन इसमें ना हो, जैसे Pathfinder में आजकल बहुत अननेसेसरी क्वेश्चन हैं, 2002-2001 के क्वेश्चन हैं, make sure you don't pick that up, right? आप कोई relevant किताब उठाओ, दिशा की आप कोई भी बुक उठा सकते हो, You have to finish it in the एक सिर्फ एक महीने के टाइम पीरियड में आपको उसने खत्म करना है। By that you are strengthening. और जो लास्ट चीज है repeating your grace. अब जब आप इतना काम कर चुके हो, यहां तक आ चुके हो, obviously आपको अपने grey areas पता चले हैं कुछ जिनमें आप weak हो, आप उनकी videos repetition में देखो, उनके questions repetition में लगाओ। अब why am I saying so? क्योंकि जब आप इधर जाओगे ना एग्जीक्यूशन फेज में, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, तो आपको एक डिस्पेरिटी फील ना हो कि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द चैप्टर्स दैट यू हैव नॉट कंप्लीटेड, राइट? मेक श्योर आप उनको थोड़ा रिपीटिशन में डालो जिससे वो आपके दिमाग में रहे। एंड कमिंग टू द एग्जीक्यूशन फेज, अब तक आप सीख चुके हो, आप स्ट्रेंथन कर चुके हो, नाउ क्या फायदा होगा इस सबका इफ यू डू नॉट एग्जीक्यूट इट करेक्टली? मेक श्योर यू एग्जीक्यूट इन द राइट वे। Last 30 days are for execution. Practicing strong chapters into two. अब यहाँ पे here's the game. ये जो है ना ये वाला point. This will hold you the game. Why am I saying so? कि practicing strong chapters into two. क्योंकि last 30 दिन तक आते आते आप पे उतना time नहीं बचता है कि आप अपने जो weak chapters हैं उनको scratch से उठा के आप अच्छा कर लो। जो वाइज स्टूडेंट है, जो दिमागदार स्टूडेंट है, वो इसी तरीके से सोचता है। तो इसीलिए जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं विच आर इनफ टू क्रैक द पेपर, जो कि बन चुके होंगे इस टाइम तक, मेक श्योर आप उनकी दो बार प्रैक्टिस करो जिससे वो जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं आप उनसे एक भी इंच मिस ना करो। एंड यू हैव टू गिव 15 फुल मॉक टेस्ट, 15 फुल मॉक टेस्ट दो। टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन आप ले लो जिसमें 15 फुल मॉक टेस्ट है, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 भी अटेंड कर सकते हो, उसके पहले के मत करना। इफ यू डू दिस यू आर ऑन द राइट वे टू एग्जीक्यूट थिंग्स, राइट? एंड इससे आप जो वीक चैप्टर्स आए हैं थ्रू मॉक टेस्ट, ये वाले वीक नहीं, थ्रू मॉक टेस्ट जो आपको पता लगे हैं कि ये मेरे वीक एरियाज, उन पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहो। उन पे उतना काम नहीं करना कि आप स्क्रैच से उठाने की कोशिश करो, बट डेट के यहां से अगर आसान सवाल आ जाए वो मेरे से ना छिटके। If you do this correctly, you are executing in the right way. And अगर आप इतना काम in the upcoming 120 days करते हो, I can bet you, I can guarantee you, आपका exam निकलेगा. And with this type of strategies in NDA 2 2023, we make 11 students crack NDA, right? So don't doubt this all. This is the best strategy you can ever have. But from your side, all you need is a motivation, a long-lasting motivation of 120 days. क्योंकि एज यू ऑल नो, मेरे को भी पता है आपको भी पता है कि पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़े बिना यू कांट क्रैक एनडीए। आप सोचो इधर से मैं बेईमानी कर लूं, क्वेश्चन तो मेरे को दोबारा लगाना ही है तो अभी क्यों लगाऊं, दैट वोंट वर्क, राइट? ईमानदारी से जो बच्चा मेहनत करेगा वो एनडीए निकालेगा ही निकालेगा, जिसकी पढ़ने की नीयत होगी हो ही नहीं सकता कि वो फेल हो जाए, बिकॉज वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा एग्जाम को निकालने का। सो
So this is the way you do it, right? So I hope you all like this video. And अगर आपको ये video पसंद आई है, make sure you share this to your friends as well, और उनकी भी मदद हो पाए. And उनको बुलाओ and share this strategy to them, right? And subscribe to the channel. Meet you soon. Jai Hind.